स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 8 मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी हो उसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए। सो फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude for their complete description are called scalar quantities। example की बात करें तो जो distance है, speed है, time है, ये सारी quantities क्या होती है? scalar quantities। क्यों? क्योंकि अगर इनका magnitude दिया जाए तो वो require होता है उसको complete description के लिए। vector quantities क्या होती है? वो physical quantities जिसमें magnitude भी require हो और डायरेक्शन भी रिक्वायर हो उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के लिए। मींस अगर कोई क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ETC। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म स्पीड। सो स्पीड क्या है? जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है पर यूनिट टाइम में उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड। सो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। सो स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। इसमें जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन एक्सेलरेशन, इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन क्या होता है और वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम। सो जो वेलोसिटी चेंज होती है बॉडी की डिवाइडेड बाय टाइम उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जो एक्सेलरेशन है उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर होते हैं, इसीलिए वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन से क्या समझते हैं? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। So if a body covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।